तो दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक नया पे लेटर लेके आ चुका हूँ। दोस्तों पे लेटर का नाम है FLKY की, यानी कि फ्लाइंग पे कर बेफिकर, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो पे लेटर है ना, ये आपको प्ले स्टोर पर बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। आइए इस पे लेटर के बारे में थोड़ी जानकारी एकत्र करते हैं, फिर इसमें हम अपना अकाउंट को ओपन करेंगे, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पे लेटर है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जो है इन्होंने डोमेन भी अपने नाम का लिया हुआ है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस पे लेटर में आपको लोन भी मिल जाएगी और क्रेडिट लाइन भी मिल जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ रीजन है, कुछ यहाँ पर चार्जेस है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखो, मैं आपको बता दूं कि ये जो पे लेटर है यहाँ पर आपको 30,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट मिलेगी और 1,00,000 रुपये तक का यहाँ से आप पर्सनल लोन भी ले सकते हो, जो कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, नो झंझट किसे उसके से। और दोस्तों यहाँ पर क्रेडिट लिमिट की बात करें तो 2,500 रुपये से लगा करके 30,000 रुपये तक की मिलेगी, ठीक है। और वन टाइम क्रेडिट एक्टिवेशन फीस, जो आपको क्रेडिट लिमिट मिलेगी उस पर जो एक्टिवेशन फीस होती है, तो 200 रुपये यहाँ पर आपको देना होगा। और यहाँ पर जो दोस्तों जो है GST भी इंक्लूज की जाएगी, ठीक है। और दोस्तों जब हम क्रेडिट लिमिट को एक्टिवेशन करा लेते हैं, फिर उसको यूज करते हैं, तो 2.5% के हिसाब से यहाँ पर हमको चार्जेस भी लगते हैं, और टाइम से अगर हम रीपेमेंट भी करेंगे तो हमारा सिविल स्कोर भी अप किया जाएगा। पर्सनल लोन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर आप 1,00,000 रुपये तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर 2% लगने वाली है, और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 16-24% का लगेगा, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपका जो लोन है वो कितना है। ऐसा नहीं है कि लोन थोड़ा होगा ज़्यादा चार्जेस लगाए जाएंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। और रीपेमेंट डेकोरेशन की बात करें, यहाँ पर रीपेमेंट मतलब टेन्योर की बात करें यहाँ पर, तो 3 महीने से लगाकर 12 महीने तक का हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर लेट फीस की बात करें, देखो कई बंदे क्या करते हैं कि लेट हो जाते हैं पैसे चुकाने में, तो लेट फीस इन केस अगर आपका अमाउंट ओवरड्यू चला जाता है तो यहाँ पर 24% पर एनुअल के हिसाब से चार्ज लगेगा। इसी में आपको बता दूं कि GST भी इंक्लूड किया जाएगा, और ये जो चार्जेस होंगे ये आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर लगाए जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है एक एग्जाम्पल, आप इस एग्जाम्पल को बड़े गौर से देख लें और समझ लें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि आप इंडिया के रहने वाले होने चाहिए और 20 से 55 साल के होने चाहिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की बात करें तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सैलरी स्लिप भी देनी होगी, एक बात का ध्यान जरूर रखें। और दोस्तों जो बैंक में आप सैलरी लेते हैं उस बैंक का स्टेटमेंट भी यहाँ पर आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद ही ये सब वर्क करेगा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर कुछ नहीं करना, सीधे आपको रजिस्टर करना मोबाइल नंबर से और अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन भरना है, और उसके बाद में आप मनी ट्रांसफर यूज द क्रेडिट लाइन ऐप पेमेंट, ठीक है। और अप्रूव क्रेडिट सर्विस बाय भी इन्वाइटिंग, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आप सब भरने के बाद आपकी जो लाइन क्रेडिट लाइन है वो एक्टिवेट कर दी जाएगी, ठीक है। सो गाइस ये जो पे लेटर है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, चलिए हम इस पे लेटर को इंस्टॉल कर लेते हैं और थोड़ा सा आगे की ओर जाते हैं, देखते क्या है। तो हमने इंस्टॉल कर लिया था पहले से ही, ओपन करते तो भैया इस प्रकार इसका लुक डिजाइन है काफ़ी अच्छा मुझे लगता है। यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषा में इसको प्रोवाइड किया गया है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर इंग्लिश चूज करके यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड डालना है अगर आपका अकाउंट पहले से बना है तो, और नहीं बना तो यहाँ पर आपको साइनअप पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपना अकाउंट जो बना लेना है। तो दोस्तों मेरा जो अकाउंट है ऑलरेडी बना हुआ, तो मैं सीधे यहां पर लॉगिन हो जाऊंगा, ठीक है। एक बात का यहां पर आपको ध्यान जरूर रखना है कि जो भी आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए वो आधार कार्ड बेसिक पे होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड बेसिक पे नहीं है तो आपको क्रेडिट लिमिट नहीं मिलेगी, ठीक है फ्रेंड। चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस पे लेटर के अंदर आ चुके हैं, और दोस्तों यहाँ पर सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पर आपको 45 दिन तक आपको 0% इंटरेस्ट रेट पर क्रेडिट लाइन मिलेगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पर डिटेल पर क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखो स्वैप नाउ पे आफ्टर 30 डे, और यहाँ पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको पैन कार्ड डालना है, एड्रेस डालना है, लेकिन दोस्तों मैंने अपना अकाउंट जो है इस पर बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन मेरे एरिए में ये सर्विस अवेलेबल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मेरा जो क्रेडिट एरिया है बहुत ही डाउन सर्विस पर है, मतलब कि बिल्कुल हम देहात में रहने वाले इंसान हैं, इसलिए यहाँ पर जो है बहुत ही कम हमको क्रेडिट लाइन दी जाती है। सो भाई अगर आप किसी शहर से बिलोंग करते होंगे तो ज़रूर आपको यहाँ पर क्रेडिट लाइन मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर मनी ट्रांसफर करने का भी ऑप्शन मिलेगा, जो भी आपको क्रेडिट लाइन मिलेगी, और देखो पोस्ट पेड लिमिट को आप जो है बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। इसी से आप मोबाइल रिचार्ज करोगे, DTH रिचार्ज करोगे, बिल पे करोगे, इलेक्ट्रिकल बिल, गैस पे और इंटरनेट का बिल पे कर सकते हो। ये एप्लीकेशन ऑलमोस्ट काफ़ी सुविधाएं हमको देता है, ठीक है।
सो गाइज, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है इस एप्लीकेशन के ऊपर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख जरूर बता दें। और दोस्तों, मैं अपना अकाउंट इसमें इसलिए नहीं बना के दिखा पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है मुझे क्रेडिट लाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा जो एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि मेरे एरिया में ये जो सर्विस है वो अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपके एरिया में सर्विस अवेलेबल है तो आप इसको एक बार चेकआउट जरूर कर लें, ठीक है फ्रेंड। सो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।